अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं लौकी की भाजी मेरी स्टाइल में। आ जाओ इसकी रेसिपी देखते हैं। तो लौकी की भाजी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ और उसके ऊपर रखी हूँ एक टोप। टोप गरम हो चुका है हमारा। उसके अंदर मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा उसमें 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े और 3 तेज़पत्ता। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी उसे कटिंग कर लेना है और वो भी डाल देना है। प्याज को हम हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर करके लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, मैंने कटिंग करके ली थी वो भी डाल देंगे। साथ ही में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट का इन सबको पका लेंगे। पाँच मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने अंदाज से। और साथ ही में मैं इसके अंदर डालूंगी 1 मैगी क्यूब। थोड़ा सा पानी डालूंगी और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून के हो चुका है। अभी हम इसके अंदर लौकी डालेंगे। तो ये 1/2 किलो लौकी है, मैंने इसका कवर उतार ली थी और इस तरह से बारीक बारीक में मैंने कटिंग कर ली हूँ। और मैंने इसका अंदर का बीज जो होता है वो मैंने नहीं निकाली हूँ, उसके साथ ही हमें डालना है। और लौकी को काट के आपको याद से पानी में रखना है। अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो आपकी लौकी काली हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे धीमी आंच पे ढक के 10 मिनट तक का पका लेंगे। तो ये देखिए अभी हमारी लौकी अच्छे से गल चुकी है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं डाली थी क्योंकि हमारी जो लौकी का जो पानी होता है वो काफ़ी छूटता है। तो ये अभी रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बीच में से 2 कर ली हूँ। ये आपके ऊपर है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया काट के। हरा धनिया डाल दिए अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पाँच मिनट तक का पका देंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए
तो ये हमारी लौकी की यानी दुदई की भाजी हो चुकी है। इंशाल्लाह आप भी बनाओ, और दुआ में याद रखना, और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट भेजो। अल्लाह हाफिज़, आ जाओ खाने के लिए।